press the bell icon for more updates and notifications. किस नए चेहरे की एंट्री होने वाली है बॉलीवुड में? आखिर क्या वजह थी जिससे वरुण धवन को अपनी फीस 50% कम करनी पड़ी? किस फिल्म से इंस्पायर्ड है वरुण धवन की फिल्म अक्टूबर? और क्या कहा अर्जुन कपूर ने वरुण धवन के बारे में? आखिर क्यों रखा गया इस फिल्म का नाम अक्टूबर? और इस फिल्म का आइडिया कहां से मिला फिल्म के डायरेक्टर को? साथ ही पढ़ेंगे लोगों द्वारा पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब देंगे इस वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म अक्टूबर के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अभी तक इस ट्रेलर को यूट्यूब पर 15 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। फिल्म के ट्रेलर को पब्लिक का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर सिर्फ पब्लिक को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स को भी बहुत पसंद आ रहा है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर ने ट्वीट करके फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार को कांग्रेचुलेट किया और वरुण धवन के लिए लिखा कि वरुण तू अब बड़ा हो गया है मेरे भाई। वरुण धवन और अर्जुन कपूर इंडस्ट्री में आने से पहले से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इंडस्ट्री में आने से पहले दोनों ने एक साथ कई शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया। इस फिल्म के लिए अक्टूबर के लिए वरुण धवन ने अपनी फीस 50% कम कर दी क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने वरुण धवन को फिल्म के लिए अप्रोच करते ही बता दिया था कि ये लो बजट की फिल्म है और फिल्म का टोटल बजट है 20 करोड़। और जब वरुण ने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें फिल्म इतनी पसंद आई कि वरुण ने खुद ही अपनी फीस 50% कम कर दी। वरुण धवन और सुजीत सरकार के इस फिल्म से बॉलीवुड में एक न्यू फेस की एंट्री होने वाली है और उस फेस का नाम है बनीता संधू। संधू विल्स यूनाइटेड किंगडम से हैं। इस फिल्म से पहले बनीता संधू ने वोडाफोन यू और डबल मिंट की पॉपुलर एड में काम किया हुआ है जिसे डायरेक्ट किया था सुजीत सरकार ने और इस एड को यूट्यूब पर 40 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। ये पहली बार है जब वरुण धवन किसी न्यू कमर के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वरुण धवन की ज्यादातर फिल्म्स में उनके अपोजिट आलिया भट्ट को कास्ट किया गया था। जब इस न्यू पेयर के बारे में फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब रोमांस की बात आती है तो हमेशा एक नए पेयर को साथ में देखकर अच्छा लगता है क्योंकि इससे रोमांस का न्यू फ्लेवर देखने को मिलता है। न्यू पेयर की केमिस्ट्री कुछ नया ही लेकर आती है। बस इसीलिए मैंने वरुण धवन के अपोजिट बनीता को कास्ट किया। इस फिल्म के लिए पहली बार वरुण धवन और शुजीत सिरकर एक साथ काम कर रहे हैं। ये फिल्म दोनों का पहला कोलैबोरेशन है। इस फिल्म से पहले सुजीत सरकार ने पीकू और विक्की डोनर जैसी हिट फिल्म्स डायरेक्ट की हैं पर इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद वरुण धवन ही थे। जब उनसे वरुण धवन को कास्ट करने का रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि न्यू जनरेशन में वरुण धवन अभी तक के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं और मुझे भरोसा है कि इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। इस फिल्म में वरुण धवन का कैरेक्टर बहुत अनयूजुअल सा है और इस तरह का कैरेक्टर वरुण धवन ने कभी भी पोर्ट्रे नहीं किया, इसीलिए मैंने उनको इस फिल्म के लिए कास्ट किया। शुजीत सिरकर की ये फिल्म अक्टूबर हॉलीवुड की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म से इंस्पायर्ड है। उस फिल्म का नाम था हर। इस फिल्म की लव स्टोरी बहुत यूनिक है और बॉलीवुड फिल्म हर की स्टोरी भी इसी तरह की है जिसमें एक आदमी को इंटरेक्टिव स्मार्ट यूजर इंटरफेस वॉइस से प्यार हो जाता है जो एक लड़की की आवाज में बात करती है। इस फिल्म की शूटिंग लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी और फिल्म का ज्यादातर पार्ट दिल्ली में शूट किया गया है। कुछ सीन्स हिमाचल प्रदेश में भी शूट हुए हैं इसीलिए फिल्म में पहाड़ और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की शूटिंग 38 दिन में ही कम्प्लीट हो गई थी। जब सिरकर से फिल्म के आइडिया और फिल्म के टाइटल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस फिल्म का आइडिया एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से मिला था जो मैंने 2015 में पीकू के रिलीज होने से पहले पढ़ा था। तब से ये इडियम मेरे माइंड में था और इस फिल्म का टाइटल मेरे माइंड में फुटबॉल खेलते खेलते आया। मैं डेली फुटबॉल खेलता हूँ और एक दिन फुटबॉल के गेम में ये नाम मेरे माइंड में सडन क्लिक किया। मैंने फिल्म की राइटर जूही से इस नाम के बारे में बात की। पहले तो उन्होंने मना कर दिया लेकिन बाद में इस टाइटल के लिए एग्री हो गई। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए वरुण धवन हो गए थे सोशल मीडिया से पूरी तरह गायब। जब वरुण से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म की प्रिपरेशन के लिए सुजीत सिरकर ने मेरे से एक चीज करने को कही थी कि सोशल मीडिया को यूज करना बंद कर दो, तो इसीलिए मैंने अक्टूबर के पूरे महीने सोशल मीडिया को यूज नहीं किया था। फिल्म का फर्स्ट टीजर वैलेंटाइन डे पर रिलीज किया गया था और इस टीजर की खास बात ये थी कि टीजर में एक भी डायलॉग नहीं था। ये टीजर 38 सेकंड का था और इस टीजर में अक्टूबर के मंथ की फील शो की हुई थी। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो पूरी फिल्म बेस्ड है फिल्म के टैगलाइन पे, इट्स नॉट अ लव स्टोरी बट इट्स अ स्टोरी अबाउट लव। ट्रेलर देख के लगता है कि तीन दोस्त होते हैं जो कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, एक लड़का और दो लड़कियां, और जैसा कि हर कॉलेज लाइफ बेस्ड पे बनी फिल्मों में होता है ठीक वैसे ही है ये फिल्म भी। एक लड़की को अपने ही ग्रुप के लड़के से प्यार हो जाता है पर वो उसे बता नहीं पाती और अपना प्यार अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखती है और लड़के को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो भी उससे प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन छुप छुप के। फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और ये बात उस लड़के को यानी कि वरुण धवन को पता नहीं होती कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। फिर वरुण के दोस्त उन्हें बताते हैं कि उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है तो वरुण कहते हैं यार
बता तो देता। और जब लड़की को देखने हॉस्पिटल जाते हैं तो लड़की की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वरुण भी कहीं ना कहीं अंदर उससे बहुत प्यार करते थे। वरुण को अपनी दूसरी दोस्त से पता चलता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसे अंदर ही अंदर प्यार करती थी, और फिर वरुण धवन को बहुत बुरा फील होता है। वरुण उस लड़की के साथ पूरा वक्त बिताते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, पर लड़की ठीक नहीं हो पाती। वो अपनी मेमोरी लूज कर देती है और व्हील चेयर पे आ जाती है, और वरुण उसके साथ ही ऐसी ही अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। तो ट्रेलर देखने के बाद हमें ये स्टोरी लगी, लेकिन फिल्म की सच्चाई क्या है वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म की रिलीज डेट है 13 अप्रैल। फिल्म को लिखा है जूही चतुर्वेदी ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया है रोनी लहरी, शील कुमार और कुमार ठाकुर ने, फिल्म में म्यूजिक दिया है शांतनु मोइत्रा ने। फिल्म प्रेजेंटेड बाय राइजिंग सन फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राइजिंग सन फिल्म्स। तो दोस्तों अब बारी है कमेंट सेक्शन की। तो सबसे पहला कमेंट है SNORP, भाई क्या बाहुबली 3 आएगा? दोस्त अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है। फिदुल अहमद, भाई मुझे बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज के बारे में जानना है। तो दोस्त वो टॉप 10 मूवीज हैं दंगल, PK, बाहुबली द कंक्लूजन, सीक्रेट सुपरस्टार, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, धूम 3, चेन्नई एक्सप्रेस और प्रेम रतन धन पायो, MD राकेब, अमेजिंग वीडियो। भाई आपकी वीडियो देख के दिल खुश हो जाता है, लव यू भाईजान। थैंक यू दोस्त कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगता है। अगला कमेंट है AJ अलबालूची का, भाई मेरा सवाल ये है कि धमाल की थर्ड सीरीज और हेरा फेरी की थर्ड सीरीज कब आएगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमेडी फिल्म है और सबको बहुत पसंद है। तो दोस्त आपको बता दी ये फिल्म आ तो रही है, लेकिन अभी इनकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है, और जैसा कि सूत्रों से पता चला ये फिल्म 2019 में आ सकती है। भागेश, नाइस वीडियो अंकित भाई, टॉलीवुड मूवीज कब से मिलेंगी? दोस्त आपके सजेशन पे काम शुरू हो गया है, और बहुत जल्द हम अपनी आने वाली वीडियोस में टॉलीवुड मूवीज के बारे में भी अपडेट करेंगे। IK ट्यूबर, नाइस वीडियो ब्रो। भाई मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 2.0 मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर को पीछे छोड़ पाएगी? दोस्त उम्मीद तो नहीं है कि पीछे छोड़ देगी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, फिल्म के कलेक्शंस देखने के बाद ही कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला कमेंट है मयंक शर्मा, भाई हॉलीवुड की मूवीज बैटमैन यानी कि डार्क नाइट राइज आएगी दोबारा? दोस्त आपको बता दें किसके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है, और जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम उसे अपनी वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। RS की वाइंस, भाई तेरा चैनल कमाल है, वर्ल्ड की और इंडिया की बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको इंडिया की मूवीज तो मिली गई होंगी, और रही वर्ल्ड की तो आपको बता दे कि वो पहली मूवी थी सिटीजन केन, और उसके बाद है द गॉड फादर। और लास्ट कमेंट है अरबाज भाई, भाई क्या 2.0 बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? इस फिल्म का बजट है 450 करोड़, तो फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है? दोस्त ये फिल्म आराम से बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी, और रही कलेक्शन की बात तो ये फिल्म आराम से 800 से 900 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है इंडियन बॉक्स ऑफिस पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं अलविदा और फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय दे, और फिल्म रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों ध्यान रहे, हमारी टीम आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती है और कोशिश करती है उन कमेंट्स के रिप्लाई करने की। हम जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से पूछा होता है, पहले उन सबको वीडियोस में आंसर करते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस हमारी टीम जितना हो सके व्यूअर्स के कमेंट बॉक्स में ही आंसर करती है। सो डोंट बी अपसेट अगर किसी का नाम नहीं आया, तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज, आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।